राजनीति के खेल भी बड़े निराले होते हैं। इसमें दूरियां नजदीकियां बन जाती हैं और नजदीकियां कब दूरियों में तब्दील हो जाती हैं इसका किसी को पता नहीं लगता। लंबे वक्त से भाजपा से खिंचे खिंचे नजर आ रहे वरुण गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर कई तरह की चर्चाएं और कयासबाजी चली रही थी कि अचानक राहुल गांधी ने अपने और चचेरे भाई वरुण गांधी के बीच बड़ी लाइन खींच दी है। एक तरफ से भाजपा के साथ बढ़ती खाई और दूसरी ओर कांग्रेस का दूर रहने का स्पष्ट मैसेज। सवाल ये उठ रहा है कि सांसद वरुण गांधी अब आगे अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर क्या फैसला लेने वाले हैं। सियासत के जानकार उस दौर को अभी भूले नहीं हैं जब नेहरू गांधी परिवार के वरुण गांधी भगवा ब्रिगेड की आंखों के तारे बनकर सामने आए थे। जब वह फायरब्रैंड हिंदूवादी नेता के रूप में राजनीतिक पटल पर छा रहे थे तो उन दिनों भगवा कैंप के बड़े रणनीतिकार प्रमोद महाजन की नजरों में वह आ गए थे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के बाद पार्टी में दूसरे नंबर के नेता माने जाने वाले लालकृष्ण आडवाणी एकाएक वरुण गांधी को बहुत चाहने लगे थे। इसके बाद तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने 16 फरवरी 2004 को मां मेनका गांधी और साथ भाजपा में धमाकेदार एंट्री दिलाई थी। इसके बाद भाजपा में वरुण गांधी का कद पद और प्रभाव लगातार बढ़ता नजर आया था। महज 33 साल की उम्र में वह भाजपा के सबसे नौजवान महासचिव बने थे। इतना ही नहीं उनको बड़ा राज्य माने जाने वाले पश्चिम बंगाल का प्रभारी भी बनाया गया था। भाजपाई राजनीति का एक धड़ा तो उस समय उनको यूपी के मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी बताने लगा था, मगर भाजपा और वरुण गांधी के रिश्तों की इबारत अब पहले से बिल्कुल उलट नजर आ रही है। 2019 में वरुण गांधी भाजपा की टिकट पर पीलीभीत से सांसद बने जरूर, मगर पिछले काफी समय से उनके बयान भाजपा को असहज कर रहे हैं। सांसद वरुण गांधी अपनी पार्टी पर खुले मंचों से निशाना साध रहे हैं और अपने अंदाज में खास मुद्दों को हवा दे रहे हैं। वरुण के रुख पर भाजपा मौन जरूर है, मगर पार्टी कैंप में यह चर्चा अब खुलकर होती दिखाई दे रही है कि सांसद वरुण गांधी से पार्टी का रिश्ता अब और ज्यादा लंबा नहीं खिंचने वाला है। सभी जानते हैं कि भाजपा के साथ मेनका गांधी और वरुण गांधी के सुरले ताल काफी समय से फिट नहीं बैठ रहे। इसे लेकर सियासी हलकों में कई तरह के सवाल तैरते हैं। सवालों का फलसफा यह है कि क्या वरुण गांधी भाजपा से अलग राज चलने का मन बना चुके हैं या पार्टी उनसे किनारा करने की तैयारी में है। अगले साल लोकसभा चुनाव होना है, अभी तक उनके कांग्रेस के करीब जाने की चर्चाएं चल रही थी, मगर राहुल गांधी का बयान सामने आने के बाद वरुण और कांग्रेस की आभासी कहानी पर फिलहाल विराम सा लग गया है। वरुण गांधी के राजनीतिक तेवर उस वक्त लोगों ने पहली बार देखे थे जब 1999 में उन्होंने अपनी मां मेनका गांधी के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार किया था। वर्ष 2004 में राहुल गांधी पहली बार चुनाव लड़े थे और उसी दौरान मेनका गांधी वरुण गांधी के साथ भाजपा में शामिल हो गई थी। बीजेपी ने मेनका और वरुण को साथ लाकर यह संदेश देने की कोशिश की थी कि उसके पास भी नेहरू खानदान के वारिस हैं। पार्टी की नजर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मुकाबले मेनका गांधी और वरुण गांधी की जोड़ी किसी तुरुप के एक के जैसी थी। मेनका पीलीभीत से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी और बड़े अंतराल से जीती थी। उस समय वरुण गांधी की छवि एक फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता की बन चुकी थी। उस समय पार्टी को लगा कि सोनिया राहुल से दो दो हाथ करने के लिए मेनका और वरुण के रूप में उसे बड़ा हथियार मिल गया है। वरुण गांधी को वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का टिकट भी मिला। मेनका गांधी ने बेटे के लिए पीलीभीत सीट छोड़ी और खुद बरेली की आंवला लोकसभा सीट का रुख कर लिया। चुनाव में माँ बेटे दोनों ने विजय पताका फहराई। वरुण बड़े अंतराल से चुनाव जीते, वरुण गांधी बड़े अंतराल से चुनाव जीते, मगर नया इलाका होने की वजह से आंवला में मेनका गांधी को उस वक्त के सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र कश्यप से कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा। पीलीभीत में चुनाव प्रचार के दौरान वरुण गांधी पर समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के आरोप लगे और इस मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा। वरुण तब ऐसी सुर्खियां बने कि नेशनल मीडिया पीलीभीत में कैंप लगाए नजर आई थी। बसपा सरकार में वरुण गांधी की जेल यात्रा पर भाजपा के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी की तीखे बयान सुनने को मिले थे। उन्होंने वरुण की तुलना उस दौरान जयप्रकाश नारायण और राज नारायण जैसे नेताओं
युवाओं से की थी और कहा था कि उनको भी वरुण की तरह जेल में डाला गया था। फिलहाल पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं यूपी की सुल्तानपुर सीट से भाजपा की सांसद मेनका गांधी पार्टी से रिश्तों को लेकर मौन हैं, मगर पीलीभीत से एमपी वरुण गांधी मुखर होकर अपना बयान दे रहे हैं। भाजपा ने पीलीभीत में दूसरे गुट के माने जाने वाले विधायक संजय गंगवार को योगी सरकार में राज्य मंत्री बनाकर कुर्मी वोट बैंक को साधने की कोशिश की है, तो दूसरी ओर पार्टी के क्षेत्रीय सांसद वरुण गांधी से दूरियां बढ़ती जा रही हैं। वरुण गांधी कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का समर्थन करते देखे जाते थे। जीएसटी, बेरोजगारी और अग्निवीर जैसे मुद्दों पर वो अपनी सरकार को घेरने का अभी भी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। राजनीति में वैसे तो मेल मुलाकातें सबके साथ चलती हैं, मगर ऐसी चर्चाएं सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं कि विरोधी दल के नेताओं के साथ वरुण गांधी की कथित रूप से मेल मुलाकातें बढ़ रही हैं। बरेली के कुछ समाजवादी नेताओं के वरुण गांधी के संपर्क में होने की बात भी सामने आ रही है। पीलीभीत संसदीय क्षेत्र में बरेली की बहेड़ी विधानसभा भी आती है। मेनका गांधी बरेली की आंवला लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुकी हैं। ऐसे में मेनका गांधी और वरुण गांधी से जुड़ी हर खबर और हर चर्चा पीलीभीत से बरेली तक हमेशा खासी सुर्खियां बनती है। फिलहाल सबकी निगाहें वरुण गांधी पर हैं और सबकी जुबान पर उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं हैं।